So yesterday we had discussed about slide wire bridge, slide wire bridge or meter bridge. मीटर ब्रिज तो ये कल हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो ये था हमारे पास. तो स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते थे. इसको स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारी एक जॉकी थी और जॉकी को हम जो हमारी मेन एक वायर है जिसको 100 सेंटीमीटर की वायर थी वो या 1 मीटर की वायर थी उसके ऊपर हम स्लाइड करते हैं. दैट इज वाई इट वॉज नोन एज स्लाइड वायर. और क्योंकि वायर जो है वो 1 मीटर की है तो इसीलिए उसको मीटर ब्रिज कहा जाता है. तो उसको यूज करके हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली थी. और वहां से हमारे पास अगर मैं दोबारा से अगर आप इसके डायग्राम की बात करो तो मैं इसकी थोड़ी डायग्राम दोबारा से आपको बना करके दिखा सकता हूँ. तो दिस वॉज द डायग्राम विच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. तो ये हमारे पास इधर हमारे पास ये कॉपर की स्ट्रिप्स थी इधर एक गैप था फिर एक कॉपर की और स्ट्रिप थी और जो हमारे पास ये बीच में एक वायर थी यहां से लेके यहाँ ये वायर थी हमारे पास फिर यहां से हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया. ये था ए ये था सी. यहां पर हमारे पास हमने क्या किया हुआ था इधर हमने रेजिस्टेंसेस जोड़ी हुई थी. इधर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर को यहां पर कनेक्ट किया हुआ था और इधर हमने इस गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस एस को कनेक्ट किया हुआ था. यहां पर हमारे पास पॉइंट था डी. तो यहां से एक हमने वायर निकाली और उस वायर पे हमने क्या किया एक गैल्वेनोमीटर लगाया और उसको एक जॉकी के साथ कनेक्ट किया और उसको इधर अब हम स्लाइड कर सकते हैं इसको ऐसे. ये जो ए से सी थी हमारी वायर यहां से लेके यहां तक ये 100 सेंटीमीटर थी. तो जहां पर ये बी कनेक्ट किया गया तो हम इस बी पे यहां पर क्या है जॉकी है जॉकी जॉकी मतलब इस तरह का एक स्टाइलस लगा लो तो इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं वायर पे. तो ये वाली जो लेंथ है मानो ये एल आ जाती थी और ये वाली लेंथ थी फिर 100 माइनस एल. तो ये लेंथ एल कब थी जब हमारा ये गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता. तो दिस होल ऑपरेटर्स इज अ रेप्लिका ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. और अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो कर रहा था तो दिस ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन. तो ये ब्रिज जो था बैलेंस कंडीशन में था और यहां पर जो ए बी की लेंथ थी वो थी एल और इसी वायर की रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल क्योंकि हमने ये माना था कि स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस है वायर की पर यूनिट लेंथ है. तो अगर L लेंथ है तो L इंटू R हो गई थी. तो ये इधर की रेजिस्टेंस P मान ली गई इतने पोर्शन ऑफ वायर की रेजिस्टेंस Q मान ली गई. तो Q क्या आ गया था 100 माइनस L इंटू R. तो P by Q इज इक्वल टू R by S क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस हमने सेट की थी तो ये हमारे को नो तो वी नो दिस. और ये क्या है अननोन अननोन वैल्यू. तो इधर से हमने S की वैल्यू निकाल ली. ये R से R कट गया. तो मैंने आपको ये बोला था कि जो वायर आप यूज करोगे अगर उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें नहीं भी पता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए. हम तो डायरेक्टली लेंथ माप कर ही वो निकाल सकते हैं. तो S की वैल्यू क्या आ गई थी 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L इनटू R. तो यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते थे बाय यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. तो ये था हमारा कल का टॉपिक जो हमने कवर किया. नाउ आवर टुडेज टॉपिक. तो आज का हमारा पहला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल.
पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल. इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कह सकते हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है हमारा पोटेंशियोमीटर. तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या डिवाइस है, तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता. सो इट इज एन ऑपरेटस और डिवाइस ऑपरेटर्स और डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. In an electrical circuit. तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो हम एक डिवाइस को यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर. तो मेन काम है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मापना बिटवीन टू पॉइंट्स. इसको और भी कामों में लाया जाता है. और कौन से काम ये करता है, इसकी और क्या एप्लीकेशन है, तो इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स. तो दो सेल्स की EMF को कंपेयर करने में भी काम आता है कि हमारे पास अगर दो सेल्स हैं और हमने देखना है किसकी EMF ज्यादा है या किसकी कम है या किस रेशो में है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं दो सेल्स की EMF को बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो इसकी एप्लीकेशन हम अभी आगे करेंगे. एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. तो किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मापने के भी ये काम आता. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स. तो प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मानो हमारे पास एक पॉइंट है ए और वहीं पे एक और पॉइंट है बी. हियर वी हैव पॉइंट बी. मानो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट और बी पे है 50 वोल्ट. तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 100 माइनस 50 दैट इज 50 वोल्ट. ठीक है ना. और मानो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इधर 100 नहीं लिखते, मानो इधर है 150, इधर है 150 और इधर कितना है 50. तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 150 माइनस 50 दैट इज 100 वोल्ट. कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस माप रहे हैं तो हमें उनकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देखते, हम डिफरेंस देखते हैं. तो डिफरेंस कितना है ए और बी के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 100 वोल्ट. तो हमने कहा दोनों के पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट. अब इंडिविजुअल हो सकता है कि हमारा ए जो है वो 400 पे होगा तो बी कितने पे होगा, 300 पे. अगर ये 500 पे है तो बी कितने पे होगा, 400 पे. क्योंकि हमें कभी भी बेटा करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चलता है. आप दो पॉइंट्स ले लो, दोनों पॉइंट्स पे 1000 वोल्ट पोटेंशियल दे दो, दोनों पे 1000 वोल्ट दे दो, तो क्या उनके बीच में करंट चलेगा, नहीं. एक पे 10 वोल्ट दे दो और दूसरे पे 0 दे दो, तो क्या करंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा काम होता है रेदर देन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल. तो हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं. तो अगर मैं कहूं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ए पे मान लो 100 वोल्ट पोटेंशियल है तो बी पे कितना है, 0 वोल्ट.
लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो इधर 100 है और बी पे 0 है, तो लेंथ के अक्रॉस क्या होता है कि अगर मैं ये मानो ये मैंने पोटेंशियल की वैल्यू दे दी बी, ये रहा 100 वोल्ट, ये रही वैल्यू 100 वोल्ट, अब बी पे कैसे ये डिक्रीज होगा, इट विल डिक्रीज लीनियरली, मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाता रहूंगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और बी पे आते हुए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 वोल्ट, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे आता आता 0 वोल्ट, तो क्या हुआ, अब अगर मैं ए से बी के बीच में एक पॉइंट उठा लूं सी, ये अब मैं पॉइंट उठा लूं सी, अगर ये वायर जो मेरी ए बी वायर है जिसमें मैं सर्किट में मैं वायर उठाई है मैंने, उधर ए और बी पॉइंट है, अगर ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, इसका एरिया नहीं वेरी कर रहा, ज्यादातर हम जो वायर यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की होती है, मतलब बराबर उसकी थिकनेस होती है, तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो लीनियरली होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, तो मानो ए से बी जो है वो लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो 100 वोल्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर लेंथ के डिफरेंस पे है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर ए से सी की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी तो ये 100 के बाद क्या होगा, ये 90 फिर 80 फिर 70 फिर 60 और यहाँ पे आता आता क्या हो जाएगा 50, तो इधर वैल्यू होगी सी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, तो ए से सी का कितना डिफरेंस होगा, इधर आएगा 50 वोल्ट और ए से सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 50 वोल्ट, दैट मीन्स हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल डिपेंड अपॉन लेंथ, तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं और इसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे, तो इसका हम प्रिंसिपल लिखते हैं, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the fall of potential across any portion of wire is directly proportional to its length is directly proportional to its length or directly proportional to the length of the portion we can say of uniform area तो ये जरूर होना चाहिए कि एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, अगर एरिया वेरी करेगा तो पोटेंशियल वेरी कर जाता है, तो एरिया हमने यूनिफॉर्म ही लेना है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब है जो आपकी तार है जो वायर है वो थिकनेस में बराबर होनी चाहिए, एंड अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो दो कंडीशंस हैं, एक तो हमारे सर्किट में करंट कांस्टेंट होना चाहिए, करंट की वैल्यू भी ना बदले और हमारी वायर भी यूनिफॉर्म थिकनेस की हो, तो हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ पे, तो मैंने क्या बोला, अब सपोज करो आपको ए से बी पॉइंट है हमारे पास, उसमें टोटल है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, तो 100 सेंटीमीटर में 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसका मतलब हर एक सेंटीमीटर पे, तो मैं अगर ए से 50 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा तो यहां तक कितना होगा, यहां से 100 था फिर 90 80 70, 60 एंड देन 50, तो 100 से 50 हो गया है, तो ए से सी अगर मैं दो पॉइंट उठाऊं ए से सी, तो ए पे 100 है और सी पे 50 है, तो 100 माइनस 50, इसका मतलब ए से सी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 50 वोल्ट, अगर मैं बीच में कोई भी पॉइंट उठा लूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, अब मैं कहता हूं हमने इधर एक पॉइंट उठा लिया, ये रहा, ये है हमारे पास सी और इधर पॉइंट है डी, दो पॉइंट है सी एंड डी, और इन दोनों में आपस में 40 सेंटीमीटर की दूरी ए और सी, हमें ये नहीं लेना देना कि जो सी और डी जो है वो ए से कितनी दूर है या बी से कितनी दूर है,
हमने कहा मैंने दो पॉइंट उठाए सी और डी, और सी और डी के बीच में 40 सेंटीमीटर की दूरी है। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमने ये देखा है कि हर एक सेंटीमीटर पे एक वोल्ट इस वायर में पोटेंशियल कम हो रहा है। तो अगर सी से डी में 40 सेंटीमीटर की दूरी है तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 40 वोल्ट का, क्योंकि एक सेंटीमीटर पे एक वोल्ट कम हो जाता है। तो इसका मतलब हम इस वायर में किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी माप करके पोटेंशियल डिफरेंस माप सकते हैं। तो और पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है, द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। दैट मींस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और वी इज इक्वल टू के एल, जहां पर के एक क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जो इस केस में क्या है, इस केस में देखो पोटेंशियल डिफरेंस है 100, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो k की वैल्यू क्या आती है, v by l। तो हमारे पिछले केस में 100 वोल्ट बटा 100 सेंटीमीटर k की वैल्यू आ गई थी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब आपने क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। जैसे कि सी और डी के बीच में दूरी थी 40 सेंटीमीटर, हमने इसको 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का 40 वोल्ट। तो के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो के की वैल्यू हम निकालते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन, तो पोटेंशियोमीटर बना कैसे होता, तो इसकी मेन क्या होती है, देखो अभी मैंने क्या बोला, इसकी ना एक प्रिसीजन भी होती है। प्रिसीजन का मतलब क्या, इस वायर में देखो आप 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आने में 100 सेंटीमीटर में गिरा 100 वोल्ट। अगर मैं ये लेंथ को बढ़ा दूं, अगर मैं ये 100 सेंटीमीटर की जगह बेटा 1000 सेंटीमीटर कर दूं, मतलब लेंथ तो होगी 1000 सेंटीमीटर और वोल्टेज कितनी गिरी, 100 वोल्ट, तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही के की वैल्यू। आप देखो इधर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 100 वोल्ट पर 1000 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इससे क्या हो गया, अब हमारे पास हम दूरी जो है हमने 40 सेंटीमीटर माप सकते हैं 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर है, तो इससे हमारी प्रिसीजन बहुत बढ़ गई है। मतलब अब हम पहले क्या करते थे, हम एक वोल्ट से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम कितना माप सकते थे, या तो 100, यहाँ पे 100 होता, या 99 हो जाता, या 99.5 भी हो सकता था, लेकिन 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे होता। लेकिन अभी क्या है, अभी हम 0.1 डेसिमल्स में भी माप पाएंगे, तो प्रिसीजन बढ़ जाए। अब मैंने दो पॉइंट्स की दूरी मापी 40 सेंटीमीटर, तो C से D में 40 सेंटीमीटर है, तो 40 × 0.1 दैट इज 4 वोल्ट, तो मैंने प्रिसाइजली 4 वोल्ट भी माप लिया। और अगर ये 40 की जगह 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर हो जाए तो मैं 0.4 वोल्ट माप पाऊंगा। तो अल्टीमेटली लेंथ बढ़ाने से हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियोमीटर की प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर जो है ना हमारा, वो उसमें एक लॉन्ग वायर लगी होती है। तो सबसे पहले क्या है, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ long wire made of magnesium stretched on a wooden board तो एक wooden board के ऊपर एक wire लगाई जाती है and fixed parallel to each other। मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे इसके साथ साथ डायग्राम बना देता हूँ। तो होता क्या है, हमारे पास ये रहा ए पॉइंट, तो इधर से हम वायर लेके चलते हैं, ये हमारे पास हमने एक वुडन बोर्ड लिया, उस पर एक हमने पॉइंट लिया, इधर हमने एक वायर ले ली यहाँ। अब मैंने अगर सपोज करो मैंने 1000 सेंटीमीटर मैंने वायर लेनी, तो 1000 सेंटीमीटर मैं बिल्कुल सीधा लगाऊंगा,
तो मेरे को बहुत लंबा बोर्ड चाहिए, बहुत लंबा बोर्ड चाहिए। लेकिन मैं इसका भी हमने हल निकाला। इसका हल कैसे निकाला गया कि आपने क्या करना है, आपने एक के बाद एक पैरेलल वायर्स लगा देनी है। तो नंबर ऑफ वायर्स लगानी है पैरेलल टू ईच अदर, वो ऐसे लगेंगे। ये देखो, ये एक फिर से कॉपर स्ट्रिप लगा दी गई, अब एक वायर इधर शुरू की गई और वो इधर लगा दी गई ऐसे। फिर यहां पे एक और कॉपर स्ट्रिप लगाई गई, फिर यहां से एक और वायर, फिर यहां एक और कॉपर स्ट्रिप, फिर यहां से एक और वायर। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ वायर्स। तो ये ऐसे कई सारी नंबर ऑफ वायर्स हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक ही वुडन बोर्ड पे। अब जैसे अगर इसकी लेंथ सपोज करो, इसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 200, इसकी भी 200 और इसकी भी 200। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, 800 सेंटीमीटर की वायर लगा दी। 200 नहीं तो 100 ले लो। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, नंबर ऑफ वायर्स आर कनेक्टेड सो दैट देयर विल बी अ वेरी लेंथी वायर कैन बी यूज। तो एक बहुत ही लंबी वायर हमने यूज कर ली वुडन बोर्ड पे, एक दूसरे के पैरेलल लगा कर। तो ये रहा बी पॉइंट। तो यहाँ पर हमने इस बी को इधर से एक की के थ्रू पूरा सर्किट पूरा कर देते हैं हम। हमने एक रिगोस्टैट से इसको जोड़ दिया, देर इज अ रिगोस्टैट एंड देन देर इज एन एमीटर कनेक्टेड हियर, देन देर इज अ सेल, it has been connected to the A. तो ये रहा हमारे पास A. तो अभी हम क्या करेंगे, इधर से A से हम ये एक वायर ले जाएंगे, ये अब हमें जितनी वायर चाहिए होगी, हम A से A पॉइंट से हम जितना हमें चाहिए वहां पर हम लगा सकते हैं वायर दिस जॉकी। तो हमने लेंथ लेनी है, सपोज करो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, हमें 500 सेंटीमीटर का यूज करना है, तो वी कैन यूज इट ओवर। तो हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को ऑक्सिलरी सर्किट कहा जाता है, हमारा ये पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट, ये है हमारा रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है बेटा, रिहोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को वेरी कराने में काम करता है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता था, वैसे ही रिहोस्टेट का भी वही काम है। रिहोस्टेट हमारा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के काम आता है सर्किट में, ताकि एक कांस्टेंट करंट। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, ये एमीटर हमने लगाया है, एमीटर इसीलिए लगाया है ताकि एक कांस्टेंट करंट हमारा सर्किट में चले। तो फिक्स पैरेलल टू ईच अदर एंड कनेक्टेड इन सीरीज, लगाई तो एक दूसरे के पैरेलल जाती है लेकिन सीरीज में है, बाय अ थिक कॉपर स्ट्रिप। तो एक थिक कॉपर स्ट्रिप के थ्रू, ये है हमारी कॉपर स्ट्रिप, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप, दिस दिस दिस। तो ये है हमारी कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये सारी वायर्स सीरीज में लगा देगी बाय यूजिंग द कॉपर स्ट्रिप्स। अ मीटर स्केल, तो इधर भी हम मीटर स्केल, क्योंकि हमने कहा लेंथ मापनी है, तो अ मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड पैरेलल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर हमें लेंथ मापनी है तो हम पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर हम मीटर स्केल लगा देते हैं। तो इस जगह पे इधर मैं कॉपर स्ट्रिप थोड़ा हटा देता हूं, ताकि हमें इधर, हम इधर होता है हमारा एक मीटर स्केल हियर। हियर वी हैव अ मीटर स्केल। तो इधर हमारा मीटर स्केल होता है, इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं,
इसको हम यूज करके लेंथ माप सकते हैं. तो वी कैन यूज दिस मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ. तो ये जैसे सपोज करो ये फर्स्ट वायर है, ये 100 सेंटीमीटर की है, ये 100 की है, तो 100 + 100 + 200 और फिर यहां से यहां की दूरी माप लेंगे हम विद द दिस मीटर स्केल. तो सपोज करो ये है 40, तो 100 + 100 + 40 दैट इज 240. तो लेंथ हमारे पास 240 यूज हुई हमारे पोटेंशियोमीटर की. तो इस तरह से हम इसको यूज कर पाते हैं. तो हम इस मीटर स्केल से लेंथ माप पाते हैं. अ जॉकी जे इज ऑल्सो प्रोवाइडेड with the help of which the contact can be made at any point. So ye hamare paas ye jo hai, this is jockey. तो ये हमारी जॉकी जे है. तो इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम कॉन्टेक्ट बना सकते हैं. इसके बाद है अ बैटरी ई एम मीटर ए एंड अ की के एंड अ रिहोस्टेट आर एच आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ पोटेंशियोमीटर वायर. तो ये है हमारी कंस्ट्रक्शन. तो ये हमारा जो पूरा हमारा ये ऑपरेटस है, दिस होल operators has been fixed on a wooden board और इसको कहते हैं हम potentiometer. तो ये है हमारा potentiometer. तो potentiometer का principle क्या था, that is V is directly proportional to L. तो इसका एक proof भी है, हम इस principle को proof भी कर सकते हैं, that is potential drop across any length of a wire is directly proportional to the length across any cross section of the wire is directly proportional to the length of the process. So according to Ohm's law, तो इसको हम prove करके देखते हैं. According to Ohm's law, तो Ohm's law ने हमें क्या बोला, Ohm's law कहता कि किसी भी portion of circuit के across कितना current चलेगा वो depend करेगा उस portion में कितना potential difference है. तो V is equal to IR हमारे पास होता है, एंड ऑल्सो आर जो था रेजिस्टेंस इक्वल था रो एल बाय ए, जहां पर रो रेजिस्टिविटी थी, एल लेंथ और ए एरिया था. तो इधर इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो तो हमारे पास बी इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाय ए. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. तो यहां पर अगर हम एक करंट कॉन्स्टेंट करंट वायर में से फ्लो करवाएं, कांस्टेंट करंट वायर में से फ्लो करवाया जाए, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर अगर टेम्परेचर सेम है तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास आई रो ए कांस्टेंट बन जाएगा. तो वी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट के इनटू ए, वेयर के इज इक्वल टू आई रो बाय ए. तो के की वैल्यू यहाँ ये, तो ये है हमारे पास एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि हमने सर्किट में करंट भी कांस्टेंट चलाया है, क्योंकि ना ही उसका टेम्परेचर बदल रहा है ना ही हम मटेरियल बदल रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है. तो अगर लेंथ जितनी होगी उसके हिसाब से उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. द पोटेंशियल ड्रॉप विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर. अभी ये प्रिंसिपल क्लियर है बेटा, एनी डाउट? प्रिंसिपल क्लियर है.
क्लियर है? तो मैं ये वाली मीटिंग अभी क्या है कि हम इसको